सिरोंचा में सागवान तस्करों को धर दबोचा। 3,33,000 के लकड़े समेत बैलबंडी भी जब्त की गई। गोदावरी नदी से तस्करी की जा रही थी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमा पर स्थित सिरोंचा वन विभाग में सागवान तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। फिर भी वन विभाग को झांसा देकर तस्कर अपना काम निकाल ही लेते हैं। ज्यादातर तस्करी गोदावरी नदी से होती है। सिरोंचा वन विभाग को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर असरपल्ली वन परिक्षेत्र के टेकड़ा मोटला गाँव में वन विभाग ने गश्त बढ़ाई थी। 25 नग सागवान लकड़ा, 7 बैल और 5 बैल बंडी, ऐसा कुल 3,33,000 का सागवान वन विभाग ने बरामद किया। कुल 10 की संख्या में आए तस्करों में से 8 तस्कर भागने में कामयाब रहे, जबकि 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इस घटना के दौरान वन तस्करों ने वन विभाग के कर्मचारियों पर पत्थरबाजी भी की। यह कार्रवाई उप वन संरक्षक सुमित कुमार एवं उप विभागीय वन अधिकारी के मार्गदर्शन में असर अली के वन परिक्षेत्र अधिकारी चेतन पाटिल, वन रक्षक इरकीवार, चिजघरे, कादरी, नवास, कोल्हे, कोठारी, उइके, तलांडी, ताराम द्वारा की गई। आगे की जांच वन परिक्षेत्र अधिकारी पाटिल कर रहे हैं। सिरोंचा से हमारे संवाददाता संदीप रामचंद्रवार की रिपोर्ट।